एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन है और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की है। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिलके भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स को का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस की संभावना है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावणे बिछाए है। उमंग है पब्लिक, सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कोई यही अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहे हैं। कुछ है, हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग, इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। जाहिर है, दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है।
मणिपुर पर